सतना आरपीएफ ने पकड़ा 40 लाख कैश। गोदान एक्सप्रेस में दबोचे गए युवक के पास मिली नकदी। जांच के लिए बुलाई गई आयकर विभाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनावी सीजन में बड़ी निगरानी के बीच सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में दबिश देकर सतना आरपीएफ ने 40 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जांच के लिए आयकर विभाग की टीम को भी बुलाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सतना आरपीएफ पोस्ट ने शुक्रवार की रात सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी छपरा एलटीटी गोदान एक्सप्रेस के B2 कोच में दबिश देकर एक युवक को पकड़ा। उसके पास से एक बैग जब्त किया गया, जिसकी जांच करने पर बैग में 40 लाख रुपए थे, जिसमें 2000, 500 और 200 के नोटों के बंडल शामिल थे। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम अभिषेक प्रजापति, पिता रोहित प्रजापति, उम्र 24 वर्ष, निवासी उज्जैन बताया। इतनी बड़ी रकम उसके पास कहां से आई, इस बारे में पूछताछ के दौरान उसने आरपीएफ को गोलमोल जवाब देकर घुमाने की कोशिश की। उसने बताया कि नोटों से भरा यह बैग उसे सतना स्टेशन के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति यह कहकर दे गया था कि वह इसे मुंबई ले जाए। नोटों भरा यह बैग उसे किसने दिया और उसने किसी अज्ञात से यह बैग कैसे ले लिया, इस बारे में पकड़े गए युवक ने आरपीएफ को कोई जवाब नहीं दिया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी बब्बन लाल ने बताया कि गोदान एक्सप्रेस के सतना पहुंचने पर ट्रेन के B2 कोच में एक युवक के भारी भरकम बैग लेकर चढ़ने और उसकी गतिविधियां संदिग्ध होने पर आरपीएफ के ASI MP मिश्रा को संदेह हुआ। उन्होंने युवक को रोकने टोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। उसे दौड़कर दबोच लिया गया और बैग जब्त कर थाने ले आया गया। यहां जांच के दौरान बैग में 40 लाख रुपए भरे मिले। आरपीएफ ने 40 लाख रुपए की नकदी समेत युवक के पकड़े जाने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। आयकर विभाग की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी भी युवक से पूछताछ कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।